गुरुग्राम के पौश इलाके में 31 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल पुलिस को कंट्रोल रूम से गुरुग्राम के सेक्टर 21 ए में किसी अज्ञात का शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच शुरू की तो शव की पहचान 31 वर्षीय बंटी हसीजा के रूप में हुई। वहीं शव पर काफी चोटों के निशान भी थे। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल की माने तो युवक की पहचान 31 वर्षीय बंटी हसीजा के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम के मदनपुरी का रहने वाला है। वहीं शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि युवक की किसी हथियार से पीट पीट कर हत्या की गई है और शव को खुदगुद करने के लिए जलाने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि शव के पास मिली शर्ट आधी जली हुई है। और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये सेक्टर 12 ए में सी चौक है, उसके पास आज सुबह एक डेड बॉडी मिली है। उसकी पहचान बंटी असीजा सन ऑफ नानक चंद, जो मदनपुरी का रहने वाला था, उसके रूप में हुई है। और उसके सिर में चोट लगी हुई है और उसके शर्ट आधी जली हुई है। इस पोजीशन में ये डेड बॉडी हमें मिली है। इसके संबंध में हमने मर्डर के तहत केस रजिस्टर कर लिया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे कोई शख्स शहर के बीचों बीच किसी की हत्या कर मौके से फरार होने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को इसकी कानोकान खबर तक नहीं हो पाती। बहरहाल देखना ये होगा कि गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon.